हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छी होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 के कट ऑफ के बारे में। यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड डाटा एक आपको देने वाले हैं कि इतने यदि स्कोर किया तो यहाँ पे आपको 100% सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। हालांकि डाटा जो दिया गया है वो ऑफिशियल वेबसाइट से दिया जाएगा, ये नहीं कि आपको कोई फेक डाटा दिया जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि भैया हमारे इस जो आप स्कोर बता रहे हो इससे कम स्कोर पर हमारे फ्रेंड्स को कॉलेज अलॉट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ध्यान से देखने कि हम किस कॉलेज का कट ऑफ बता रहे हैं। हम पूरे बीएससी नर्सिंग कोर्सेज नहीं बता रहे, हम एक इंडिविजुअल कॉलेज जो है इंस्टीट्यूट है उसका कट ऑफ बता रहे हैं। ठीक है, तो वो ध्यान से देखिएगा। और साथ ही साथ काफी आप यूट्यूब पे फेक वीडियोस देखते हो, लो कट ऑफ पे आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, कम स्कोर पे ये कॉलेज मिल जाएगा, तो हमेशा आप ऑफिशियल डाटा को ही जो है बिलीव कीजिए, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं होता तो फेक डाटा ही माना जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम ऑफिशियल डाटा आपको दिखाने वाले हैं। और हमारे इस चैनल पे लास्ट 3 ईयर से यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस होता है फॉर बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड आईसीआर के लिए। तो यहाँ पर हमारे पुराने वीडियोज भी देख सकते हो जहाँ पे आपको सभी अपडेट्स ऑफिशियल अपडेट मिलती है, कोई भी फेक डाटा आपको नहीं दिया जाता है। आज भी हम यही करने वाले हैं, आज आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ बताएंगे ताकि आपको एक बिलीव हो जाए एक आप कितना स्कोर आपको एम्स में करना है, एग्जाम में आपको कितने स्कोर, नेगेटिव मार्किंग को कहाँ तक रोकना है, सब चीज़ आपको समझ में आ जाए। कि यदि आप नेगेटिव मार्किंग भी रोकोगे तो एक अच्छे स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पे एम्स की टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो मिनिमम जो भी आपकी ड्रीम कॉलेज है उसमें आपको कितना स्कोर चाहिए वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। टॉप 5 कॉलेज के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है, अब यहाँ पे टॉप 5 और कॉलेजेस को हम डिस्कस करेंगे। इस तरह से हमने टॉप 10 कॉलेजेस का डिस्कस कर लिया कट ऑफ। चलिए सबसे पहले ऑफिशियल डाटा की भी हम बात करेंगे। यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन स्कोर की बात करेंगे, तो ये सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैंने काफी वीडियो से बताया कि यदि आप क्वालिफिकेशन स्कोर से नीचे स्कोर करोगे तो आपका यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस एंड एडमिशन प्रोसेस के लिए नहीं जा सकते हो। उसके बाद में टॉप 10 कॉलेजेस की बात करेंगे, टॉप 5 की बात कर लिए, टॉप 5 की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद यदि वो वीडियो टॉप 5 वाला नहीं देखा तो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। सबसे पहले क्वालिफिकेशन स्कोर की भी एक बार बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन स्कोर की बात करें तो यदि आप जनरल एंड यूआर कैटेगरी से तो 50% आपको चाहिए होगा। परसेंटाइल का अर्थ क्या है वो मैंने बता रखा है, जितने टॉपर के जो स्कोर रहेगा उसके बेसिस पे आप सभी का परसेंटाइल निकाला जाएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस को 50% और ओबीसी एनसीएल को 45, एससी एसटी को 40% आपको चाहिए होगा। ये चीज क्लियर हो चुका। अब यहाँ पे कट ऑफ की बात करते हैं। अब ये जो कट ऑफ आपकी निर्धारित की गई है, ये जो आपको डाटा दिया जा रहा है वो एक एक्सपेक्टेड डाटा है, मतलब ये हो सकता है। हालांकि चेंज होगा जब आपका एग्जाम हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ सीट अब कितना इंक्रीज हुआ है, सारे बेसिस पे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब +5 +-5 हो सकता है। ये जो ऑफिशियल डाटा सारा लिया गया, ये आपके ऑफिशियल जो आपके रिजल्ट है लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है उसके बेसिस पे लिया गया, जिसे हम दिखाने वाले हैं आपको। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका ऑफिशियल नोटिस है जो आपके एम्स के द्वारा रिलीज किया था लास्ट ईयर। तो यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हो, 28/6/2023। ठीक है, ये रिजल्ट आपका लास्ट ईयर का बीएससी नर्सिंग का। जहाँ पे आपकी टॉपर की बात करें तो लास्ट ईयर आपका टॉपर जो रहा है उसका जो स्कोर था 89%। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 89, इस रोल नंबर यहाँ पे सारा चीज़ दे रखा है, आपको सारे परसेंटेज दे रखे हैं, फर्स्ट रैंक इन स्टूडेंट्स को आया था। और ये आपका यूआर कैटेगरी से और जनरल कैटेगरी से ये बिलोंग कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुका है। यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन स्कोर से अबव स्कोर रहेगा। अब यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स का इस लिस्ट में नाम आया था, लगभग आप सभी कैटेगरीज में देख सकते हो। आप सभी को स्टूडेंट्स को पता होगा, यदि आपने क्वालिफिकेशन स्कोर से नीचे स्कोर किया तो फिर इस लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। इस लिस्ट को कहते हैं मेरिट लिस्ट। सबसे पहले आपका मेरिट लिस्ट रिलीज किया जाएगा। यदि जिन स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो वो नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करें, देखो यहाँ पे लिख रखा है ओनली, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये चीज आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट राउंड के लिए। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के लिए ये जो स्टूडेंट है ये आप जो फर्स्ट राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मॉक राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितनी रैंक तक, तो 4361 रैंक तक यहाँ पे स्टूडेंट हैं वो 50% से अबव स्कोर कर पाए। और वहीं हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये भी आपके 50% से 4359 स्टूडेंट ही इससे अबाउ स्कोर कर पाए। वहीं ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 45 से 6139 रैंक तक ओबीसी एनसीएल, पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 4522, एससी के लिए 8425 और एसटी के लिए 8221 स्टूडेंट हैं वही 40% से अबव स्कोर कर पाए। ठीक है, तो ये आपका लास्ट ईयर का मेरिट लिस्ट, इतने स्टूडेंट हैं वो क्वालिफिकेशन स्कोर से अबव कर पाए। अब ये नहीं है कि इन सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो गया था, यहाँ पे आप स्कोर भी देख सकते हो, परसेंटाइल फॉर्म में ये निकाला गया है। ठीक है, ओवरऑल रैंक आपका यहाँ पे सभी चीज़ दी गई है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे फर्स्ट राउंड के कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो जिनकी जो रैंक थी उसके बेसिस पे यहाँ पे कौन कौन सा इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है। ये आपका रिजल्ट है लास्ट ईयर का, जहाँ यहाँ पे आपको ऊपर की ओर देखोगे तो 1/8/2023 को ये काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया गया था। अब यहाँ पे आपका कट ऑफ जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। फर्स्ट रैंक कितनी रैंक को कितना मिला, कितनी रैंक को कितना मिला, ये सब चीज़ आपको दी गई है। एम्स दिल्ली, ऋषिकेश, कल्याणी, तो सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। ओके, तो नीचे तक आप स्क्रॉल करोगे तो ये काउंसलिंग पे भी डिपेंड करता है हालांकि, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन है। अब यहाँ पे नीचे की ओर चलेंगे तो फर्स्ट राउंड में कितनी रैंक तक सीट अलॉट हुआ वो एक बार देख लीजिए। ओके, ये डाटा आपका ऑफिशियल डाटा है तो वो चीज़ आप समझ लीजिएगा, कोई भी फेक डाटा यहाँ पे हमारे चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। तो ये है आपका लास्ट ईयर का कट ऑफ फॉर फर्स्ट राउंड के लिए। ये आपका फर्स्ट राउंड, ओनली फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है, जहाँ पे 1048 लगभग 4000 स्टूडेंट हैं वहाँ पे आए थे, ठीक, क्वालिफिकेशन स्कोर किया था, लेकिन उसमें से 1048 ही। वहीं ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 1712 स्टूडेंट थी, और उसके बाद एससी के लिए 4339, और वहीं हम बात करें 8221, और ईडब्ल्यूएस का आप देख सकते हो 3441 रैंक तक यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हुआ। ये इसलिए हुआ कि काफ़ी स्टूडेंट्स के पास उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं था, इसलिए इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नए होने के कारण, वैलिड डेट में नए होने के कारण उनका ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट का जनरल से काउंसलिंग हुआ, इसलिए काफ़ी कम स्टूडेंट्स के पास ही ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था, और उनकी वजह से उनकी कट ऑफ हाई गई और उनको कैटेगरी का बेनिफिट मिल पाया। तो अभी तक आपने कैटेगरी नहीं बनवाया तो वो बनवा लीजिए। तो इसके बेसिस पे हमने ये कट ऑफ आपका निर्धारित किया लास्ट ईयर का, हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर चेंजेस हो सकता है। तो चलिए हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे टॉप 5 पहले हमने बात कर लिया था, अभी हम बात करेंगे टॉप 10 की। ओके, एम्स गोरखपुर की बात करें तो एम्स गोरखपुर यहाँ पे कितने, एम्स गोरखपुर की बात करें तो यदि आपने 68 से 75 स्कोर किया तो यहाँ पे 100% आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 65 से 75 यदि स्कोर किया तो आपको 100% सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। वहीं हम ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 65 से 72 के बीच यदि आपका स्कोर रहा तो आपको 100% यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पे 58 और 55 तक यदि आपका स्कोर रहा, इससे अबाउ स्कोर रहा, तो यहाँ पे 100% आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। वहीं हम एम्स पटना की बात करें तो एम्स पटना की आपका 72 से 75 के बीच यदि स्कोर रहा तो आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 68 से 74 तक यदि आपका स्कोर रहा तो आपको यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 65 से 70 यदि आपका स्कोर रहा तो यहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। और वहीं हम बात करें 58 से 60 यदि आपका स्कोर रहा तो यहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। एसटी की बात करें तो 55 से 60 यदि आपका स्कोर रहा तो यहाँ पे आपको 100% सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। वहीं हम एम्स बठिंडा की बात करें तो टॉप कॉलेजेस में आती है तो 75 से 80 स्कोर। वहीं हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 74 से 78, ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 75 से 78, उसके बाद हम बात करें एससी का 60 से 65, और एसटी की बात करें तो 658 से 65 स्कोर तक यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। वहीं हम एम्स कल्याणी की बात करें तो एम्स कल्याणी का आपका 60 से 65, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 50 से 60, उसके बाद वहीं ओबीसी की 50 60, और देन हम बात करें एसएसटी के तो 50-48 स्कोर तक आपको यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। एम्स नागपुर की बात करें तो एम्स नागपुर में यहाँ पे 60 से 65, ओबीसी के लिए 55 से 60, और एससी एसटी के लिए 50-48 के स्कोर पे यहाँ पे एम्स नागपुर में सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। तो ये आपका टॉप 10 कॉलेजेस के हो गया। टॉप 5 की हमने पहले बात की थी, उसके बाद टॉप 10 की हमने बात कर ली है। यहाँ पे हमने टाइम टेबल दिया है तो इसको जो भी स्टूडेंट फॉलो करना चाहते हैं वो फॉलो कर सकते हो। बेस्ट टाइम टेबल है फॉर बीएससी नर्सिंग के लिए, रिविजन के लिए, स्ट्रेटजी के लिए। उसके साथ ही साथ आप यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहते हो तो जहाँ पे 10,000 प्लस क्वेश्चन, रेगुलर टेस्ट सीरीज, उसके साथ ही साथ आपको सोर्स नोट्स और क्विक रिविजन बुक आपको मिलेगा, जहाँ पे आप जो है अपना रिविजन, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। उसका चार्जेस 499 है। इस नंबर पे आप और भी व्हाट्सअप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके और भी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन होना, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर पे दे दी जाएगी। ऐप का लिंक दे दिया जाएगा, उसके साथ ही साथ वहाँ पे क्लास कोड्स बन जाएंगे आफ्टर पेमेंट। ओके, तो ये आप ज्वाइन हो सकते हो। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया, काफ़ी स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन कर चुका है उनको सब चीज़ें अवेलेबल है। और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स को और भी किसी कॉलेज के बारे में, कट ऑफ के बारे में जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हो, और भी आपके डाउट्स है तो वो भी आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, ठीक है। और ये हमने जो डाटा आपको शो अप किया है ये ऑफिशियल डाटा है, कोई भी फेक डाटा आपको नहीं दिया जाएगा, कभी भी आपको फेक डाटा हमारे चैनल पर नहीं मिलेगा। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, और इस चीज़ पर जो भी चीज़ें बताई जाती है उसको एक बार फोकस करके देखना है कि क्या बताया जा रहा है और एक्चुअल में होगा या नहीं होगा। एक्चुअल में आपको वही होगा जो आपको कट ऑफ बताई जा रही है, उतना ही आपको स्कोर पर यहाँ पे सीट अलॉटमेंट होगी। तो ये मान के चलिए यदि आप लो स्कोर पर अपना प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अपना स्कोर है वो इंक्रीज करना होगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पे नए हो, पहली बार हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही साथ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इन सब की लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।